out of the red corner, ladies and gentlemen, आपका हाथ जोड़िए और स्वागत करिए हमारे भारत माँ की बेटी को इस मुकाबले के लिए. देवी और सज्जनों, हमारे प्यारे हिंदुस्तान से इस लवलीना बरगो. जी हाँ, जिसका इंतजार था वो पल सामने आ गए हैं. इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई. लवलीना 25 वर्षीय भारतीय मुक्केबाज, ओलंपिक खेलों की कांस्य पदक विजेता, विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं की कांस्य पदक विजेता, दो बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं में उन्होंने कांस्य पदक जीता, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता और दो बार कांस्य पदक विजेता, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित असम राज्य की रहने वाली भारतीय मुक्केबाज लवलीना. सेमीफाइनल मुकाबले की अगर हम बात करें तो चाइना की मुक्केबाज ली क्विन को इन्होंने परास्त किया था, जो कि ओलंपिक पदक विजेता थी, विश्व चैंपियनशिप की पदक विजेता थी, उनको परास्त किया. ली क्विन को प्रबल दावेदार थी, उनको परास्त किया. Bringing out her opponent and your championship finalist in the women's welterweight division. Please help me welcome, as she fights out of the blue corner, she represents and is the fighting pride of Australia, presenting the Sheila from the land down under, is Caitlin Parker. Yeah, Lovelina Borgohain ki pratidwandvi, Australia ki Caitlin Ann Parker, 26 varsh ki hai. ऑर्थोडॉक्स मुक्केबाज, न तो ओलंपिक में पदक जीता है, न ही इससे पहले विश्व चैंपियनशिप में कोई पदक इनके नाम था, लेकिन इस प्रतियोगिता में जिस ढंग से कमाल का प्रदर्शन किया है वो वाकई लाजवाब है. 2014 के यूथ ओलंपिक्स की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं कैटलिन एन पार्कर. और Ladies and gentlemen, the time has come. We have reached your championship matchup in the elite women's 75 kg welterweight division. This bout is to determine your gold medalist and the undisputed women's welterweight world champion. Your five judges being represented here tonight ringside from Serbia, Estonia, Peru, Venezuela, and finally Zimbabwe. And when all the action begins ringside, representative of the IBA, Mr. Chris Roberts, OBE, the Director of IBA Development, in charge of the officials. And finally, without further ado, ladies and gentlemen, your sixth man in the center of the ring, representing the IBA, by way of Sweden, with referee Sam Ona. मुकाबला कड़क होने वाला है. लवलीना बनाम कैटलिन एन पार्कर. पूरा भारत लवलीना के साथ है. The rules: no holding, no slapping, no hit back, and listen to my commands. Okay? Handshake and good luck. Ladies and gentlemen, our judges are ready, our fighters are ready. Jai Mata Ki! क्या बात है संजीव, दर्शक पूरी तरह जोश में हैं और राउंड नंबर एक का हो रहा है आगाज यहां पर, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया. बिल्कुल, जोश केवल मुक्केबाजों में नहीं है, दर्शकों में भी है. वो हर्षोल्लास दर्शकों में पूरा ऊर्जा भरी हुई है इस मुकाबले को देखने के लिए, और इंतजार भी था, हो भी क्यों ना. भारतीय मुक्केबाज एक और इतिहास रचने जा रहा है. वर्ष 2006 में 4 स्वर्ण पदक थे भारत के, और आज वही इतिहास पुनः आगे बढ़ता हुआ. क्या यह स्वर्ण पदक भारत को मिलेगा, देखना होगा. लवलीना ने अपने सेमीफाइनल मुकाबले की अगर हम बात करें तो ली क्विन को हराया था, जो कि ओलंपिक पदक विजेता थी और विश्व महिला मुक्केबाजी की स्वर्ण पदक विजेता थी. ऐसी एक स्ट्रांग मुक्केबाज को अपने रास्ते से हटाया, अच्छे खेल कौशल का प्रदर्शन किया और आज जरूर भारत को स्वर्णिम सफलताएं दिलाएंगी. देखना होगा वो राउंड वन चलता हुआ ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध उनका मुकाबला, और ऑस्ट्रेलिया के मुक्केबाज का भी कम आकलन नहीं कर सकते. राष्ट्रमंडल खेलों की रजत पदक विजेता है वर्ष 2018 की, और वर्ष 2022 की कांस्य पदक विजेता है. यूथ ओलंपिक वर्ष 2014 की भी वह कांस्य पदक विजेता हैं. तो दोनों ही मुक्केबाजों के पास राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का अनुभव. लवलीना की लॉन्ग रीच है, उसका उसको एडवांटेज जरूर होगा. प्रयास अच्छे,
दोनों ही मुक्केबाजों के प्रहार क्षमता का बहुत ही सुंदर प्रदर्शन प्रस्तुतिकरण। यहां पर बहुत ज्यादा नीचे झुकी, यहां पर सर को उठाकर खेलना होगा लविनिया को। रेफरी द्वारा उनको सावधानी बरतने का निर्देश भी दिया गया कि सर को उठाकर खेलें। पहला चक्र है, प्रहार क्षमता का प्रयोग कर रही है, लॉन्ग डिस्टेंस पर खेले ज्यादा अच्छा होगा लविनिया के लिए। प्रतिद्वंदी को पकड़े नहीं, रेफरी द्वारा पुनः उनको कौशन दिया गया सावधानी बरते। ऑस्ट्रेलिया के मुक्केबाज अपना मौका तलाश रही हैं, टारगेट एरिया पे पूरी उनकी नियंत्रण कि अपनी प्रतिद्वंदी का कोई चूक दिखे और वहीं पर वो अपने पंच को लैंड करे। मगर लवलीना ऐसा कोई मौका नहीं दे रही है अपनी प्रतिद्वंदी को, ऑस्ट्रेलिया के मुक्केबाज को, कैटलिन एनी को, कि वह कोई लाभ उठा सके। प्रयास अच्छे स्टेट जैब के साथ प्रहार क्षमता का प्रयोग किया पार्क ने, मगर यही बहुत ज्यादा सर को नीचे झुकाया और अत्यधिक सर को झुकाना ठीक नहीं है। नियमानुसार आप अपने प्रतिद्वंदी के सामने अत्यधिक नीचे नहीं झुक सकते, इससे आप खुद भी चोटग्रस्त हो सकते हैं और अपने प्रतिद्वंदी को भी चोटग्रस्त कर सकते हैं। इस चीज से बचने के लिए रेफरी द्वारा निर्देश दिया जाता है कि आप सर को उठाकर खेलें। और पहला चक्र यहां पर समाप्त हुआ है। रणनीति बहुत अच्छी है, प्रयास बहुत अच्छे किए हैं लवलीना ने। क्या लगता है संजीव, पहला दौर किसके पक्ष में जा रहा है? नो डाउट लवलीना ने प्रहार क्षमता का जो प्रयोग किया है, स्ट्रेट जैब बहुत ही अच्छी तरीके से, उनके काउंटर अटैक बहुत अच्छे थे, स्ट्रेट जैब पूरी तरह से कनेक्ट हुआ और सिंगल पंच नहीं है आनंद, स्ट्रेट जैब के साथ यहां पर प्रत्युत्तर देना चाहा, काउंटर अटैक करना चाहा, मगर सर के पीछे प्रहार लगे थे ऑस्ट्रेलिया के मुक्केबाज के। मगर यहां पर यह देखिएगा 3-2 का डिसीजन है, बड़ बनाने में कामयाब। J1 ने 10-9, J2 ने 10-9, मतलब यहां पर हम कह सकते हैं बढ़त जो है वो पहले राउंड की लवलीना के पक्ष में गई है, यानी कि पांचों जजिस को उन्होंने अपने खेल कौशल से प्रभावित किया है। जी हां, स्प्लिट में निर्णय आया है पहले दौर का लवलीना के लिए। बॉडी लैंग्वेज है सत्येंद्र, उनके प्रशिक्षक उनको बताते समझा रहे हैं कि अपर कट और हुक का प्रयोग करें, यानी कि प्रतिद्वंदी जब क्लोज डिस्टेंस पर आ रही है तब अपर कट का प्रयोग करें। क्या ऐसा करेगी लवलीना, यह देखना होगा अभी बाकी। राउंड नंबर 2 की जिस ढंग से उन्होंने आक्रामक शुरुआत की है और पहले दौर के परिणाम के बाद जो उनके चेहरे पर मुस्कान आई थी, वो जरूर ये बताने के लिए काफी है कि कितना आत्मविश्वास है उनके खेल में और कितना आत्मविश्वास है इस मुकाबले को लेकर लवलीना बोरगोहाइन। एक बड़ा नाम भारतीय मुक्केबाजी का, कहते हैं फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। फॉर्म लवलीना के साथ नहीं रहा पिछले कुछ समय में, ओलंपिक में पदक जीतने के बाद बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में एक पदक की प्रबल दावेदार के रूप में गई थी, लेकिन वहां पर खाली हाथ लौट कर आई और आलोचनाओं का शिकार भी होना पड़ा था। और इस विश्व चैंपियनशिप से पहले उन्होंने कहा था कि एक बार फिर अपने उस गोल्डन फॉर्म के करीब जाना चाहती हूं और दुनिया को दिखाना चाहती हूं कि मेरे पास हौसला भी है, दमखम भी है और वो स्पार्क अब भी मौजूद है। लवलीना बोरगोहाइन। दूसरी तरफ कैटलिन एन पार्कर की बात की जाए तो पार्कर इस भार वर्ग में, यानी ये जो मिडिल वेट श्रेणी है 75 किलोग्राम भार वर्ग में, यहां पर अटैक दोनों तरफ से आता हुआ। बॉडी लैंग्वेज देखिए, लवलीना बहुत ज्यादा चपल, चतुर, चालाक और एग्रेसिव नजर आ रही है। वहीं पर काउंटर पर खेलने की रणनीति है यहां कैटलिन एन पार्कर की। उम्र में 1 साल का अंतर है, लवलीना 25 की है, पार्कर 26 की है और हाइट का स्लाइट एडवांटेज लवलीना के पास है। मुकाबला बहुत ही रोमांचक होता जा रहा है यहां पर। और मिडिल वेट श्रेणी की बात कर रहा था तो लवलीना जो है वो अभी अभी आई हैं इस वेट श्रेणी में, लेकिन कैटलिन एंड पार्कर ने इसी वेट श्रेणी में यूथ चैंपियनशिप का पदक जीता था। तो वो लंबे समय से इस भार वर्ग में अपनी चुनौती पेश कर रही है।
और लवलीना जो पहले 69 किलोग्राम भार वर्ग में चुनौती पेश करती थी, वो बड़े हुए भार वर्ग में आई है, अपने आप को बहुत बखूबी एडजस्ट किया है। हमने देखा है इस विश्व चैंपियनशिप में किस ढंग से उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को और खासकर इस बार ऑस्ट्रेलियन अटैक अपर कट और हुक का कॉम्बिनेशन ट्राई किया था वहां पर कैथलीन एंड पार्कर ने। इंटरवेंशन आता हुआ दूसरे दौर में संघर्ष बहुत ही ज्यादा कड़ा हो गया है, टक्कर कांटे की हो गई है और ऑस्ट्रेलियन पार्कर यहां एक के बाद एक आक्रमण पर आती हुई। दूसरे दौर के समय का समापन हो गया है और केडी जाधव इंडोर हॉल में बैठे तमाम दर्शक स्कोर्स पर नजर बनाए हुए हैं। ये देखिए दूसरे दौर में ज्यादा हेड डाउन किया, ये दूर से प्रयास किया था राइट क्रॉस का, नजरें दोनों की बिल्कुल एक दूसरे पर टिकी हुई, बहुत क्लोज आकर आप अपर कट ट्राई करती हैं तो फिर ज्यादा मुश्किल होती है। मुकाबला रोचक हो गया है संजीव, बिल्कुल तू डाल डाल में पास पास यहां पर दिख रहा है, प्रहारक क्षमता बहुत अच्छी है यहां पर। ऑस्ट्रेलिया मुक्केबाज ने दूसरा राउंड अपने पक्ष में किया है तो यहां पर हम कह सकते हैं एक एक राउंड दोनों ही मुक्केबाज अपने नाम कर चुके हैं। तीसरा और अंतिम राउंड जो है वो निर्णायक चक्र तो है ही है और उन खिलाड़ियों के लिए भी निर्णायक पल होंगे। वो क्या मैसेज दे रहे होंगे कोच इस समय लवलीना को जब स्कोर इतना ज्यादा संघर्षपूर्ण हो गया है? सबसे बड़ी चीज यही है जो बॉडी लैंग्वेज से यहां पर दिख भी रहा था कि उनके प्रशिक्षक उनको कह रहे थे कि जैसे ही प्रतिद्वंदी उनके नजदीक आती है तब अपरकट का प्रयोग करें, साइड स्टेप लें, पीछे जा रही है बैक पैडलिंग कर रही है ये उनके लिए नुकसानदेह है, साइड स्टेप लें और अपने प्रतिद्वंदी की मुक्कों की रेंज से दूर हो, प्रहार करने के लिए उसको आमंत्रण दें, उसको आने दें, ऑस्ट्रेलिया की मुक्केबाज को अपने नजदीक आने दें, जैसे ही वे आती है झुके नहीं, स्ट्रेट पंच का प्रयोग करें, अपरकट का प्रयोग करें, जैसे ही वो नजदीक आ रही हो, क्योंकि फोर्स प्रतिद्वंदी ने जनरेट कर दी है वो आधी फोर्स से तो आ ही रहा है, आपको केवल अपनी 50% फोर्स लगानी है और आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। तो यहां पर यही बताया गया है बॉडी लैंग्वेज से, जैसा मैं समझ पाया हूं अभी तक कि लवलीना के प्रशिक्षक ने उनको यही समझाया और बहुत ही अनुभवी प्रशिक्षक हैं दोनों। भास्कर भट्ट काफी समय से भारतीय टीम के साथ हैं, यूथ से टीम के साथ हैं वो और बता रहे हैं, मगर यहां पर बहुत करीबी से जानते हैं ऑस्ट्रेलियन प्रशिक्षक भी, क्योंकि वो भी सैंटियागो भारतीय टीम के प्रशिक्षण दल के हेड कोच रह चुके हैं, वह खामियां जानते हैं मुक्केबाज की। तो यहां पर एक स्ट्रेटेजी और चल रही है प्रशिक्षकों में और यहां पर चलता हुआ यह मुकाबला प्रहारक क्षमता का प्रयोग करती हुई यहां पर अब बढ़त बनाने की कोशिश कर रही है भारतीयों के बाद। यहां ये थोड़ा सा बैंड किया था, संतुलन बिगड़ा भारतीय मुक्केबाज का, मुक्के के प्रहार से नहीं गिरी थी, संतुलन बिगड़ा था, रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया हेड अप यानी कि सर को उठाकर खेलें, बराबरी का मुकाबला है अभी। स्ट्रेट जैब के साथ ये प्रहार क्षमता बहुत अच्छी, ऑस्ट्रेलिया की मुक्केबाज का भी प्रत्युत्तर बहुत ही बढ़िया, मगर रेफरी द्वारा निर्देश सावधानी बरतें, घूमे नहीं ड्यूरिंग द बाउट, आप प्रतिद्वंदी के सामने गोल नहीं घूम सकते हैं यानी कि पीठ नहीं दिखा सकते हैं। ये प्रयास अच्छे थे लवलीना के, शेल गार्ड हटा रखा है लवलीना ने, आमंत्रण दे रही है अपनी प्रतिद्वंदी को कि वह उन पर प्रहार करने के लिए आए। अच्छे प्रयास हैं मगर रेफरी द्वारा निर्देश भी दिया जा रहा है सावधानी बरते, अपर कट आपको नजदीक आने देना चाहिए प्रतिद्वंदी को, शेल गार्ड रखना होगा लवलीना को अन्यथा वह नुकसान में रहेंगी, बहुत जरूरी है अपने आप को बचा कर रखना, शेल गार्ड रखें बहुत जरूरी भारतीय मुक्केबाज के लिए। अच्छे प्रयास है, साइड स्टेप लिया, ये रणनीति अच्छी, अपने आप को वीव किया, डक किया भारतीय मुक्केबाज ने, साइड स्टेप लेकर बाहर जा रही है अपनी प्रतिद्वंदी की मुक्कों की रेंज से, अंतिम क्षणों में जाता है ये मुकाबला, कुछ ही समय शेष और वे बेल बढ़त जरूर बनाई है, मगर देखना होगा इन पांच जजिस के मूल्यांकन को कि कौन सा मुक्केबाज सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज रहा है इस भार वर्ग का, मिडल वेट का स्वर्णिम सफलता है कौन जीतेगा।
कैथलीन एन पार्कर की भी तारीफ करनी होगी। भारतीय दर्शकों के बीच ओलंपिक पदक विजेता के सामने जिस बहादुरी के साथ और जिस क्रिएटिविटी के साथ उन्होंने लवलीना की टक्कर दी है, उन्होंने कमाल का खेल खेला है। नो डाउट, बिल्कुल बहुत ही अच्छे खेल कौशल का उन्होंने प्रदर्शन किया। वह स्वयं भी बहुत अच्छी मुक्केबाज है और रिव्यू में गया है ये डिसीजन, यानी कि अब जजिस के निर्णय के साथ ऑब्जर्वर और सुपरवाइजर के भी स्कोरों का आकलन किया जाएगा। दोनों मुक्केबाजों के जहन में क्या चल रहा होगा संजीव, बटरफ्लाई जरूर पेट में चहलकदमियां कर रही होंगी, क्योंकि विश्व चैंपियन बनने और रिजल्ट आने के बीच में ये बाउट रिव्यू आ फंसा है। बिल्कुल, देखिए हर ऑस्ट्रेलिया के मुक्केबाज ने भी प्रहारक क्षमता का बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। राष्ट्रमंडल खेलों की रजत पदक विजेता है, कांस्य पदक विजेता है और यूथ ओलंपिक की भी कांस्य पदक विजेता है। यहाँ दुआओं का दौर भी चल रहा है लवलीना के लिए, न सिर्फ स्टेडियम में बैठे दर्शक बल्कि लवलीना भी दुआएं मांग रही हैं, क्योंकि काम तो कर दिया उन्होंने, अब थोड़ा बहुत किस्मत का सहारा भी चाहिए होता है खेल में। बिल्कुल, यहाँ पर ईश्वरी शक्ति सबसे ऊपर होती है और यहाँ पर ये दर्शकगण, क्या चौथा स्वर्ण पदक आ रहा है। मेरा व्यक्तिगत मूल्यांकन तो है कि ये पदक भी भारत को मिलेगा, मगर ये मेरा व्यक्तिगत है, निर्णय जो है वो अंतिम निर्णय ये जजिस का ही होता है, सर्वमान्य निर्णय होता है और वो किसके पक्ष में अपना निर्णय देते हैं यह देखना होगा, क्योंकि वो बहुत बारीकी से रिंग के बिल्कुल चारों तरफ बैठते हैं और बहुत ही नजदीक से मुक्केबाजी मुकाबले का मूल्यांकन करते हैं, उनको देखते परखते हैं और निष्पक्षता से अपना निर्णय देते हैं। ये ऑस्ट्रेलियन This championship matchup at the Women's World Boxing Championship 2023, about 3:11, comes to a close after giving 3 3-minute rounds in elite women's 75 kg welterweight division. This bout was to determine your gold medalist and crown the undisputed women's welterweight champion of the world. And now we go to the judges' scorecards. We have to complete 3 3-minute rounds. Your judges have ruled in favor of your winner by points, declared by split decision. To the red corner. Oh, जी हाँ, कौन से बताए दिलाई है? भारतीय मुक्केबाज ने, लवलीना ने split decision रहा है, मगर ये निर्णय बहुत ही सुंदर, उत्कृष्ट खेल कौशल का प्रदर्शन किया भारतीय मुक्केबाज ने, अतुल्य साहब के साथ यहां पर खेल की हुई और स्वर्णिम सफलताएं दिलाई है भारत को। मुकाबला एक तरफ